चाणक्य नीति के अनुसार जिन लोगों की आदतें बेहद ही खराब होती हैं, उन्हें भविष्य में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ऐसे लोगों के हाथों में बिल्कुल भी पैसा नहीं टिकता है, उनके जीवन में हमेशा तंगी बनी ही रहती है। आइए जानते हैं इसके अलावा किन लोगों के पास धन नहीं ठहरता है। आचार्य चाणक्य एक अच्छे और महान विद्वान थे जिनकी तुलना विश्व के श्रेष्ठतम विद्वानों में की जाती है। उनके द्वारा लिखी गई चाणक्य नीति आज भी युवाओं को मार्गदर्शित करती है। उन्होंने जीवन से जुड़े सभी विषयों पर अपने विचारों को व्यक्त किया है। आचार्य चाणक्य की नीतियों में सुखी जीवन के रहस्य छिपे हैं, वही उज्जवल भविष्य के लिए। आमतौर पर सभी पैसे जोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लाख कोशिशों के बाद भी पैसा जमा करने में असमर्थ होते हैं। इसका कारण उनकी बुरी आदतें भी हो सकती है। चाणक्य नीति के अनुसार जिन लोगों की आदतें बेहद ही खराब होती हैं, उन्हें भविष्य में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ऐसे लोगों के हाथों में बिल्कुल भी पैसा नहीं टिकता है, उनके जीवन में हमेशा तंगी बनी ही रहती है। आइए जानते हैं इसके अलावा किन लोगों के पास धन नहीं ठहरता है। लेट तक सोने वाले व्यक्ति। चाणक्य के अनुसार जो लोग देर तक सोते हैं, उन लोगों पर पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकता है, क्योंकि देर तक सोने वाले लोगों का अधिकांश समय सोने में जाता है, इसलिए उन्हें भविष्य में भी कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। साथ ही ऐसे लोगों से माँ लक्ष्मी भी नाराज रहती है। आलस से भरे व्यक्ति। कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, इसका असर उनके जीवन पर भी पड़ता है। चाणक्य के अनुसार जिन लोगों में आलस होता है, वह कभी भी धन जमा नहीं कर पाते। ऐसे लोग आलस के चलते धन लाभ के कई मौके भी गंवा देते हैं, जिससे उन्हें भविष्य में समस्याएं झेलनी पड़ती है। बुरी संगत वाले व्यक्ति। इंसान की संगत का असर उसके जीवन पर पड़ता है। गलत संगत के लोग गलत राह पर चलते हैं। चाणक्य के अनुसार जिन लोगों की संगत गलत होती है, वह जीवन में गलत जगह फंस जाते हैं। साथ ही ये लोग पैसों को गलत जगह पर उपयोग करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों पर पैसा कभी नहीं टिकता है। महिलाओं का अपमान अनादर करने वाले व्यक्ति। चाणक्य के अनुसार जो लोग महिलाओं को अपमानित करते हैं, उन लोगों पर कभी भी पैसा नहीं रुकता है, क्योंकि महिलाओं का अपमान करने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज होती है और वह व्यक्ति कंगाल होने की राह पर आ सकता है, इसलिए भूलकर भी ऐसा न करें।